मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हाउ टू नो इफ समवन ब्लॉक यू ऑन व्हाट्सएप। कैसे पता करे कि किसी ने मुझे या आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। तो आज एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं, एकदम इजी वे है, सबसे सिंपल तरीका। तीन ऐसा तरीका बताऊंगा, तीन स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है कि नहीं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगला बंदा ने ब्लॉक किया है कि नहीं, क्योंकि आप लोग उसको लगातार मैसेज किए जा रहे हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा लगता है कि रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो हर समय ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हर समय ऐसा नहीं होता है कि अगर बंदा वहां से रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने के लिए तीन निशानी देखना पड़ेगा। अगर तीनों निशानी एक साथ मैच कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि अगले बंदे ने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। तो कैसे चेक करना है, क्या देखना है, समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, मैं व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करूंगा। मैं एक कॉन्टैक्ट को लेकर के एग्जांपल देता हूं, सबका नहीं, एक किसी एक कॉन्टैक्ट को लूंगा। यहां पे देखिए, इस कॉन्टैक्ट का अजय बिजनेस गाइड लिखा हुआ है ना। तो ये इस कॉन्टैक्ट में हम लोग जाएंगे। मान लीजिए इसको मैंने बहुत सारा मैसेज किया, वीडियो वगैरह सेंड किया, लेकिन कोई रिप्लाई वहां से आया नहीं। तो क्या मैं समझ लूं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है? तो जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको तीन निशानी मैच करना पड़ेगा। तीनों निशानी अगर मैच करता है तभी आप समझेंगे कि ब्लॉक किया है, नहीं तो नहीं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे आपका प्रोफाइल पिक्चर पे, ठीक है। तो हम इसको प्रोफाइल पिक्चर पे यहाँ पे आएंगे और इसका जो प्रोफाइल यहाँ पिक्चर इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखा रहा, देखिए मैंने क्लिक किया अजय बिजनेस गाइड, यहाँ कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखाया है, तो हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है कि प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखाया तो आपको ब्लॉक कर दिया है। आपको समझ में कैसे आएगा? देखिए, हो सकता है उसने या तो इस टाइप का प्रोफाइल पिक्चर लगाया होगा, सेम इस टाइप का, तो आपको लगता है कि उसने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाया है। दूसरा हो सकता है उसने आपका नंबर सेव करके नहीं रखा है, है ना, जस्ट इसी वजह से प्रोफाइल फोटो नहीं दिखाई दे रहा है ना। या हो सकता है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, जस्ट इसी वजह से उसका प्रोफाइल पिक्चर आप नहीं देख पा रहे। तीन कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर सिर्फ नहीं दिखा रहा, इसके वजह से आप नहीं बोल सकते कि आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के लिए तीन निशानी मैच करना चाहिए। एक निशानी मैच हो गया क्या, कि प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखा रहा है ना। अब दूसरा स्टेप क्या है देखने का, उसी कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर में नाम की जगह आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे नाम की जगह में दिखाई देगा लास्ट सीन टुडे 11:33 AM। लास्ट सीन दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट सीन कब हुआ है दिखा रहा है। तो लास्ट सीन अगर आपको दिखाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपको उस कॉन्टैक्ट ने ब्लॉक कर दिया है। सॉरी, अगर दिखाया जा रहा है तो नहीं ब्लॉक किया है। अगर नहीं दिखा रहा, लास्ट सीन वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा, तो हो सकता है कि उस कॉन्टैक्ट ने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, हर समय ऐसा नहीं होता है कि अगर लास्ट सीन शो नहीं कर रहा वहाँ पर तो आपको ब्लॉक कर दिया। कभी कभी क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट होता है अगला बंदा, वो अपना लास्ट सीन को हाइड करके रखता है, जिससे आप उसका लास्ट सीन देख नहीं पाते हैं और इस जगह में आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देता है। जैसे ही अगर उसने लास्ट सीन हाइड कर देगा तो भी आपका यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा, है ना। तो ये दूसरा कारण होता है, दूसरा निशानी होता है। पहला निशानी था प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखाई देगा, दूसरा निशानी होगा कि लास्ट सीन नहीं दिखाई देगा। अब जो तीसरा निशानी बताने वाला हूं, अगर वो भी मैच कर जाता है तो समझ लीजिए उस बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तीसरा निशानी नहीं मैच करता है, मैं तीन निशानी में से तीनों निशानी अगर मैच करेगा तो उसने ब्लॉक कर दिया है। अगर तीन निशानी में से कोई एक निशानी भी मैच नहीं करता है तो उसने ब्लॉक नहीं किया है। तो तीसरा निशानी क्या है, तो मान लीजिए मैंने उसको जो मैसेज सेंड किया, कोई भी मैसेज सेंड किया, मान लीजिए मैसेज सेंड किया, तो यहां पर देखिए सीन की जगह में, यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस जगह में सीन की जगह में अगर डबल ब्लू टिक आता है या डबल टिक आता है, ब्लू टिक नहीं भी आता है, सिंपल डबल टिक भी आता है, तो उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है। लेकिन यहां पे सिर्फ सिंगल टिक आ रहा है तो समझ लीजिए उसने आपको हो सकता है ब्लॉक कर दिया। लेकिन 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 सिर्फ सिंगल टिक देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसने आपको ब्लॉक किया। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि मैसेज सेंड ही नहीं होता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, या उसका अकाउंट बंद हो चुका है, अकाउंट को यूज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इस वजह से सिंगल टिक आता है, है ना, हो सकता है इसका सिंगल टिक आता है। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसने आपको ब्लॉक किया। सिर्फ एक निशानी से नहीं, आपको तीनों निशानी देखना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपका प्रोफाइल फोटो देखना पड़ेगा। अगर प्रोफाइल फोटो नहीं दिखा रहा है
और साथ में लास्ट सीन भी नहीं दिखा रहा है और साथ में ब्लू टिक भी नहीं दिखा रहा है, मतलब डबल टिक भी अगर नहीं दिखा रहा है, सिर्फ सिंगल टिक दिखा रहा है। ये तीनों निशानी अगर एक साथ मैच करता है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए 99.99%। अब मैंने 100% क्यों नहीं बोला, 99.99% इसलिए बोला कि आपको उसने ब्लॉक कर दिया, ये तीन निशानी देख के समझ सकते हैं। लेकिन 100% इसलिए नहीं बोला कि अगर आप मान लीजिए ये जो अकाउंट है, सपोज कर मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इसको मैसेज सेंड किया है, बिजनेस गाइड को मैसेज सेंड किया है, और अगर ये अकाउंट अपना यूज करना बंद कर दिया है, 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 16 दिन, 30 दिन, 32 दिन जो भी हो गया है, अगर उससे ज़्यादा दिन भी हो गया है और अकाउंट यूज नहीं कर रहा है, तो उसका प्रोफाइल फोटो भी आपको लगभग नहीं दिखाई देगा, और हो सकता है उसका लास्ट सीन भी ना दिखाई दे, और हो सकता है जो मैसेज आपने सेंड किया हो इस दौरान वो तो मैसेज देख ही नहीं पाएगा, इसलिए सिंगल टिक वहाँ पे होगा। तो तीनों मैच करेगा उस कंडीशन में भी, लेकिन ये चांस नहीं है कि उसने आपको ब्लॉक किया। हो सकता है उसने अपना अकाउंट को बंद कर दिया हो, या फिर उसका अकाउंट हैक हो चुका है, या फिर व्हाट्सएप ने उसका अकाउंट को बैन कर दिया है, जस्ट इस वजह से ये तीन चीज़ तीन निशानी शो कर रहा है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम केस में होता है, लेकिन मैक्सिमम 99.99% चांस है अगर ये तीन केस मैच हो जाते हैं तो आपको उसने ब्लॉक कर दिया है। अगर आपको चाहिए कि उसने ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक कैसे हो जाए, उसको मैसेज वापस से कैसे कर पाए, तो इसका टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसको पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और नया कुछ जानकारी मिलेगा। बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।